बहुत सारे नौजवान आपको मिलेंगे, अगर आप उनका सर्वे कीजिए तो पता चलेगा कोई 2 क्लास पढ़ा हुआ है, कोई 5 क्लास में ड्रॉप कर गया, कोई 8 क्लास तक मुश्किल से गया, और किसी ने बहुत खींच तान करके अगर मैट्रिक किया और उसके बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे लोग लाखों की तादाद में आपको मिलेंगे। इसको आपको कम करना है, इस तादाद को कम करना है। जो बड़े हो गए, जो अपनी उम्र को पहुंच गए, अब उनको तो दोबारा खींच के स्कूल में नहीं लाया जा सकता, मगर जो नस्ल पल रही है, जो नस्ल मौजूद है और जिसके लिए हमारे पास इंतजाम नहीं है, हमें उसका इंतजाम करना होगा। तालीम पे जोर देना होगा, खुसूसी तौर पर मजहबी तालीम के साथ साथ अंग्रेजी तालीम का हमें रिवाज देना पड़ेगा अपने यहाँ, उसको जारी करना होगा ताकि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे बनकर निकले, जाहिल ना रहे, उनके हाथ में सर्टिफिकेट रहे। ये सारे इंतजाम हमें करने होंगे। हम अपने आपस का जायजा लें, मसलकी झगड़े, आपस के झगड़े, खानदानी झगड़े और बहुत सारे मुकदमात जो हमारे आपस में चल रहे हैं, इन तमाम मुकदमों को अल्लाह के वास्ते उठा लीजिए, तमाम झगड़ों को बंद कर दीजिए। अगर सलाम कलाम बंद है तो सलाम शुरू कीजिए। कौन कहता है कि फला को सलाम करना हराम है और फला को सलाम मत करो और फला से मुसाफा करोगे तो वजू टूट जाएगा।